हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, यूजीसी की तरफ से अभी हाल ही में एक प्रपोज़ल लेकर आया गया है जिसमें पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम ऑफ़र करने की बात कही जा रही है जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। अभी ये जो प्रपोज़ल है पाइपलाइन में है, अभी डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर। जैसे ही एजुकेशन मिनिस्ट्री का इसको अप्रूवल मिलेगा, नोड मिलेगा, वैसे ही यूजीसी की तरफ से इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है, अभी प्रपोज किया गया है सिर्फ यूजीसी के तरफ से। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये जगदीश कुमार जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ये यूजीसी के चेयरमैन हैं। इनका जो अभी एक ट्वीट आया है 10 घंटे पहले, इसमें यूजीसी प्रपोजल टू परमिट पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात कही जा रही है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में, फिर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन इसको परस्यू कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो ये पार्ट टाइम पीएचडी है इससे जुड़े हुए और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उनको इस वीडियो में डील करूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है। दोस्तों, ये पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम जो है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। जैसे जैसे हम एक फास्ट मूविंग एज में एंटर कर रहे हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो चुका है, और जो ये कदम है पार्ट टाइम पीएचडी का, ये भी कहीं ना कहीं पूरे पीएचडी सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देगा, एक क्रांति ला देगा। और जब से कोरोना पैंडेमिक आया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड हो चला है, मतलब बहुत ज़्यादा डिजिटल, मतलब एजुकेशन पे इम्फोसाइज किया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल जो एजुकेशन है वो मतलब कि कहीं भी रहकर कहीं से भी परस्यू किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है, चाहे कोरोना हो या कोरोना से बड़ी कोई महामारी क्यों ना आ जाए। ऐसे में ये जो पार्ट टाइम पीएचडी है उन्हीं प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के किया जा रहा है, जो वर्किंग है उनके तरफ से डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि जो लोग मतलब जॉब करते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपना मतलब खर्चा भी चलाना है, उनको कुछ अर्निंग भी करनी है लाइवलीहुड के लिए उनके, तो ऐसे में वो उनका जो मतलब सपना होता है पीएचडी करने का या फिर पीएचडी करके कुछ और अच्छा करने का, तो वो रह जाते हैं क्योंकि वो मतलब जॉब में होते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है बहुत हद तक मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए बहुत ही मतलब एक एक्सटेंसिव तरीके से डिलीवरेट करके डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा मतलब सहूलियत प्रदान किया जा सके, जितना मैक्सिमम एफर्ट लगाया जा सके यूजीसी की तरफ से, ताकि वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी डिग्री को कम्प्लीट कर सकें। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आ रहा होगा वो है, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनरोलमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इस पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स में एनरोल करने के लिए? तो यहाँ पर देखिए, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल है, बस इसमें एक चीज़ जो ऐड है उसको मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर। द एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर द सेम फॉर द बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स। मतलब कि जो ऑलरेडी फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही सेम रहेगी पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ठीक है, एक यहाँ पर और फ्रेज है, मैं उसको आगे पढ़ता हूँ। द वर्क विल बी ऑल्सो एक्सेस्ड इन द सेम वे एज डन फॉर द फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स। आपके मतलब जो भी पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट होंगे उनके काम को वैसे ही असेस किया जाएगा जैसे फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स के वर्क को असेस किया जाता है, ठीक है। इन एडिशन टू मीटिंग द रेगुलर क्राइटेरिया, हाउएवर द पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और NOC फॉर्म। ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आपने फुल टाइम पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मतलब पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया, उसके बाद आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा, NOC लाना पड़ेगा, तभी आप ये पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल कर पाओगे। अब देखिए, ये NOC क्या है? NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर यानी जहाँ पे आप मतलब एम्प्लॉयड हो, जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जिस भी संस्था में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा।
मतलब इसका मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉयर को कोई आपत्ति नहीं है कि आप काम करते वक्त भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे मतलब आपके एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ का। एक मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके एम्प्लॉयर से आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर है कि जो फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक एडिशन में क्या पॉइंट ऐड हो चुका है यहाँ पर कि पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से? उनके एम्प्लॉयर से, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो मतलब प्रोफेशन में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, एक व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एनओसी, एनओसी का क्या स्पेसिफिकेशन होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको समझना होगा, एम्फोसाइज करना होगा, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है। देखिए मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको मतलब बताऊंगा यहाँ पर, समझाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम स्टेटिंग दैट द प्रोस्पेक्टिव पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट एंड एम्प्लॉई इज परमिटेड टू परस्यू द प्रोग्राम ऑन पार्ट टाइम बेसिस, द एनओसी विल हैव टू स्पेल आउट दैट दे विल बी गिवन सफिशियंट टाइम फॉर द रिसर्च वर्क, द वर्क प्लेस विल बी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फैसिलिटी इन द एम्प्लॉयज फील्ड ऑफ रिसर्च एज अ डॉक्टरल स्कॉलर एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो हैव टू मेक अ सबमिशन सेइंग दैट द एम्प्लॉई विल बी रिलीव फ्रॉम द ड्यूटी टू कम्प्लीट द रिक्विजिट कोर्स वर्क इफ रिक्वायर्ड। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि जो पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट जो मतलब पीएचडी में एनरोल करने वाले हैं, ठीक है, उनको मतलब एनओसी में ये लिखा होना चाहिए उनके एम्प्लॉयर की तरफ से कि उनको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा उनके रिसर्च वर्क के लिए। रिसर्च वर्क होता है एक बहुत ही डेडिकेटेड काम होता है, उसमें मतलब एक्सटेंसिव तरीके से उस लगना पड़ता है स्टूडेंट को। तो जो रिसर्च वर्क है वो एक मतलब मतलब एक अच्छा आपका समय लेगा, ठीक है, उसमें बहुत समय लगेगा। तो उस रिसर्च वर्क के लिए जो सफिशियंट टाइम है वो आपके एम्प्लॉयर के तरफ से दिया जाएगा, ये एनओसी में लिखा होना चाहिए। और इसके अलावा जहाँ पर आप काम करोगे वहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब अगर सफिशियंट टाइम नहीं मिल पा रहा है रिसर्च वर्क के लिए, तो कम से कम आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने रिसर्च को मतलब कंडक्ट कर सको, उसको कैरी ऑन कर सको, उसको कंप्लीट कर सको, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा मतलब मतलब डिसाइड करना पड़ेगा, उसको ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू मेक द सबमिशन सेइंग दैट द एम्प्लॉई विल बी रिलीव फ्रॉम द ड्यूटी टू कम्प्लीट देयर रिक्विजिट कोर्स इफ रिक्वायर्ड। ये तो अलग पॉइंट हो गया, यहाँ पहले पॉइंट में लिखा हुआ है द वर्क प्लेस विल बी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फैसिलिटी इन द एम्प्लॉयज फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब इसके अलावा एक तो फील्ड ऑफ रिसर्च में उसको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पर एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को, जो काम दे रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसको, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन को। उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके मतलब काम से उसको मतलब रिलीव भी करना पड़ेगा, उसको मतलब ड्यूटी से मुक्त करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अगर रिसर्च वर्क पूरा नहीं हुआ तो एम्प्लॉयर को ऐसा करना पड़ेगा, ये एनओसी में लिखा होना चाहिए। तो ये एनओसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनओसी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कुछ मतलब मन बना रहे हैं पार्ट टाइम पीएचडी मतलब में इनरोल करने के लिए, तो एनओसी के बारे में आपको बहुत जानना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैंने इसमें बहुत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एकदम मस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है एक जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। सिंपली क्या करना है, आपको सर्च करना है इग्नू बाबा जी, जब जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन करना है और अपने क्वेश्चन को पूछना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु विल गाइड द पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट, कौन गाइड कर सकता है पीएचडी पार्ट टाइम कैंडिडेट को। तो इसमें पहले पढ़ के सुनाता हूँ फिर बताऊंगा। द पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट विल लार्जली वर्क इंडिपेंडेंटली बट विल वर्क ऑन हिज और हर सब्जेक्ट इन कंसल्टेशन विद द सुपरवाइजर, एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ द कोर्स वर्क विल हैव टू बी अटेंडेड बाई देम फुल टाइम, वंस दी कंप्लीट द कोर्स वर्क दी कैन कैरी आउट रिसर्च अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर यूजिंग द रिसर्च फैसिलिटीज आइदर इन देयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन और द रिसर्च फैसिलिटीज इन द यूनिवर्सिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये कहना चाहता है कि भले ही आप पार्ट टाइम पीएचडी परस्यू करने वाले हो, लेकिन 6 महीने तो रेगुलर पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, फुल टाइम कोर्स अटेंड करना पड़ेगा 6 महीने।
इस क्यों? क्योंकि उस फुल टाइम 6 महीने के कोर्स को जो अटेंड करोगे, उसमें जो आपका मतलब रिसर्च वर्क होना है उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च वर्क कैसे करना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, द पार्ट टाइम PhD स्टूडेंट विल लार्जली वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको खुद से ही अपना मतलब पूरा काम करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन उनके लिए एक कंसल्टेशन के लिए एक सुपरवाइजर रखा जाएगा, और सुपरवाइजर बस आपको कंसल्ट करेगा, आपको कोई और हेल्प नहीं करेगा, बस उससे आप कंसल्ट कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन है उससे डील कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि वंस दे कंप्लीट देयर कोर्स वर्क, ये 6 महीने का, जैसे ही आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर लोगे अपने रिसर्च को कैरी कर सकते हो अपने गाइड सुपरवाइजर के गाइडेंस में, यूजिंग द रिसर्च फैसिलिटीज इन द आइदर देयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऊपर पॉइंट में मैंने बताया था ना कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम करोगे उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा रिसर्च फैसिलिटीज़, NOC में ये लिखा होना चाहिए, NOC में ये मेंशन होना चाहिए, तो वहीं ये बात यहाँ लिखी हुई है कि आप अपने ऑफिस में अपने रिसर्च को कैरी कर सकते हो, या फिर जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है इन यूनिवर्सिटीज़ की वहाँ पर आप अपने रिसर्च को कैरी कर सकते हो। तो ये मतलब क्लियर है ये क्वेश्चन भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु विल सुपरवाइजर बी, मतलब सुपरवाइजर कौन हो सकता है, मतलब ये आपके लिए नहीं है, बस जो सुपरवाइजर बनना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है, पर यहाँ पर ये बता देता हूँ कि कौन सुपरवाइजर हो सकता है, परमानेंट फैकल्टी मेंबर विद PhD वर्किंग एज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर विद एटलीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल में बी रिकॉग्नाइज एज अ रिसर्च सुपरवाइजर। वो जो परमानेंट फैकल्टी है मतलब विद PhD वर्किंग प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो PhD प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, या एसोसिएट प्रोफेसर, उनके साथ जो फैकल्टी मेंबर होते हैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर, वो बन सकते हैं सुपरवाइजर, लेकिन उनको उनके पास कम से कम एटलीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, किसी जर्नल में रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च पेपर में उनका कोई रिसर्च छपा होना चाहिए, कम से कम कितना, 5। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक दूसरा क्राइटेरिया भी है सुपरवाइजर बनने के लिए, परमानेंट फैकल्टी मेंबर वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर विद अ PhD डिग्री, मतलब परमानेंट फैकल्टी मेंबर जो वर्क कर रहे हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर विद PhD डिग्री, उनके पास PhD डिग्री है, एंड एटलीस्ट 3 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल कैन ऑल्सो बी सुपरवाइजर अंडर द प्रोपोज नॉर्म्स। मतलब कि अगर उनके पास वो PhD डिग्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वर्किंग है, ठीक है, और उनका कम से कम 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है, तो वो बन सकते हैं सुपरवाइजर। ये आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आपका सुपरवाइजर कौन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कि विच इंस्टीट्यूट कैन ऑफर पार्ट टाइम PhD, कौन स्टूडेंट पार्ट टाइम PhD ऑफर कर सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जानना बहुत जरूरी है कि कौन। इसमें नाम नहीं है, ये कैटेगरी है सिर्फ, ठीक है, अभी ये प्रपोजल में है, ये जो इस कैटेगरी में जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होगी, कॉलेज होंगे, वो फॉल जो भी फॉल करेगा वो ऑफर करेगा आपको पार्ट टाइम PhD, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कैटेगरी बताता हूँ, द PhD रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एवरी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाई और अंडर अ सेंट्रल एक्ट, अ प्रोविंशियल एक्ट और अ स्टेट एक्ट। जो भी यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट द्वारा मतलब एस्टेब्लिश्ड हैं वो ऑफर कर सकती हैं PhD प्रोग्राम, एज वेल एज एवरी कॉलेज एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो कॉलेज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो डिक्लेयर्ड बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956। जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज फॉल करते हैं UGC के सेक्शन 3, UGC एक्ट के 1956 के सेक्शन 3 के अंदर फॉल करते हैं, वो ऑफर कर सकते हैं PhD पार्ट टाइम प्रोग्राम, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट, वो आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे, हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाते तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप से में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च करना है इग्नू बाबा जी, जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको ओपन करना है और अपनी क्वेश्चन को पूछना है। इसके अलावा आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, सभी कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।